मध्य प्रदेश में अपराध का ग्राफ कम होने को लेकर जारी हुए आंकड़े पर सियासत शुरू हो गई है। सरकार के आंकड़े पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, वहीं बीजेपी ने पलटवार किया है। आंकड़े को लेकर प्रदेश में सियासत जारी है। देखिए, जो आंकड़े जनता के सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, हमें समझना होगा यह वह आंकड़े हैं जो कि पंजीबद्ध अपराध के संबंध में है, जिनके संबंध में थाने पर एफआईआर हो गई है। परंतु वर्तमान यदि आप परिदृश्य को देखेंगे और जमीनी धरातल पे यदि आप उतर के देखेंगे, तो अगर 10 लोग शिकायत लेकर के जाते हैं थाने पे, तो मात्र एक व्यक्ति की एफआईआर रजिस्टर होती है। बल्कि इस पर हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक कई न्याय दृष्टांत आ चुके। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी से लेकर के राजेंद्र सिंह पवार वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, कानून एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि जिस भी व्यक्ति ने शिकायत की है उसकी एफआईआर जो है वह पुलिस को कन्वर्ट करनी, यदि वह आवेदन जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस डिपिक्ट करता, परंतु उसके पश्चात भी कोई एफआईआर नहीं की जाती है। तो आज की तारीख में जो थाने वाले हैं वह अपराध पंजीबद्ध नहीं कर रहे और फिर कह रहे हैं कि अपराध होना कम हो गए हैं। तो इस प्रकार की स्थिति जो है मध्य प्रदेश में चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वह पूरी तरीके से निस्तो नाबूद हो चुका है। और यह डाटा प्रस्तुत करके जनता को गुमराह कर रहे हैं, परंतु आप देखेंगे तो आज की तारीख में तो यह स्थिति है कि जो आदमी व्यथित है वह पीड़ित बन करके जाता है थाने पर, और उसके बाद वह है वो प्रशासन से ही पीड़ित हो जाता है। इस प्रकार की स्थिति जो है वह हमें देखने को मिल रही धरातल पे। देखिए नमन जी, कांग्रेस पार्टी सिवाय झूठे आरोपों के अलावा और कुछ नहीं काम करती। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपराधों को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखती है, चाहे वो भारत की मोदी जी की सरकार हो या मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी की सरकार। और पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की एक ही होती है कि आम जनता को अपराध और अपराधियों से राहत मिले, और इसीलिए मध्य प्रदेश में यदि आप देखेंगे तो मोहन यादव सरकार के 9 महीने के कार्यकाल में अपराध के नियंत्रण के विषय में उदाहरण के तौर पर दे सके ऐसी प्रस्तुतियां हमारे पास है, जो रिकॉर्ड कम हुआ है। सरकार की कार्रवाई, योजनाएं, नियम कायदे, कानून का पालन, कोर्ट की गाइडलाइन का पालन सब तेजी के साथ हुआ है। कांग्रेस पार्टी झूठे आरोप लगाती है और कांग्रेस पार्टी लगातार 2003 से असत आरोप लगाती है, जिसका नतीजा ये है कि जनता जनार्दन की अदालत में कांग्रेस पार्टी हमेशा पराजित होती है और जनता का आशीर्वाद बीजेपी के साथ रहता है। जी, यदि बात करें तो लगातार कांग्रेस का कहना है प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, बलात्कार जैसे मामले बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मुझे लगता है कि अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण की हर प्रकार की नीति होती है। कानून देश में एक समान है और सारे के सारे राज्य भारत न्याय संहिता जो नया कानून का पालन करते हैं, और मध्य प्रदेश तो ऐसा राज्य है कि जहां EFIR की व्यवस्था है, और अब तो जो नया कानून जो भारतीय न्याय संहिता है रमन जी, उसमें तो अब कोई थाने का क्षेत्राधिकार का विषय नहीं है। आप देश में कहीं भी किसी भी कोने में हो, कोई क्षेत्राधिकार हो, पर जहां आपको सहूलियत है वहां आपकी जीरो पर FIR दर्ज हो गया ना, तो प्रकरण पंजीबद्ध हो रहे हैं, आप EFIR कर सकते हैं, आपको थाने जाने की आवश्यकता नहीं है। यानी पहले की तुलना में प्रकरण के पंजीकरण की संख्याओं में वृद्धि हुई है, उसके बाद भी मध्य प्रदेश में अपराध कम हुए, ये मोहन सरकार की श्रेष्ठता को दर्शाता है, जनसेवा के कार्यों को।